उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम चित्तौड़ विधानसभा में मौजूद हैं, जहां आज चंद्रभान सिंह जी का कार्यालय उद्घाटन है और तमाम लोगों से यहां वो मुखातिब होंगे। तो आम सभा के रूप में कार्यक्रम भी रखा गया, तो उसमें बहुत से कार्यकर्ता भी हैं। क्या चाहता है जनमन यहाँ का, चित्तौड़ का जनमन क्या चाहता है, जानेंगे उन्हीं से। सर अभी भी बीजेपी का उपन्ना और रखा है पर टिकट नहीं मिला है। चंद्रभान जी आएंगे सर, चंद्रभान जी तो आएंगे हाँ, पर बीजेपी से आएंगे या कैसे भी आएंगे? किसी भी आएंगे, चंद्रभान जी आएंगे। चंद्रभान जी चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। दिलों का राज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सर आप बताएं, बीजेपी का रहेगा और जीतेंगे चंद्रभान जी, और चंद्रभान जी को जो भी सिंबल मिलेगा उस पर समर्थन करेंगे सारे बीजेपी वाले कार्यकर्ता, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता चंद्रभान जी को समर्थन करेंगे उस सिंबल पर जो मिलेगा। इसलिए मैं वोट देंगे उनको और बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे सर, बहुत अच्छे वोटों से जी। आप एक बात बताएंगे, पार्टी ने किस बूथ पर उनका टिकट काटा? ये हमारे को पता नहीं है, हमारे अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, उनका टिकट काट दिया। हम सब चंद्रभान जी के साथ है, दिलो जान से, दिलो जान से चुनाव जीता के लाओगे? बराबर जीता के लाएंगे, बराबर जीता के लाएंगे। पहली बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद चौबे। 70,000 वोट से राम प्रसाद जी चौबे। चौबे साहब घोषणा कर सकते हो टीवी पे आज? हाँ टीवी पे घोषणा ही है सब, जो एक्चुअली आए चंद्रभान जी भारतीय जनता पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, वो 51,000 या 1,00,000 वोटों से जीतेंगे। हम सब उनके साथ है, तन मन धन से साथ है। चंद्रभान जी जिंदाबाद, चित्तौड़ की एक ही जान, एक तरफ पार्टी दावा करती है, सर्वे कराती है, और सर्वे के आधार पर जब जो व्यक्ति सर्वे में गई उसका नाम नहीं है और उसको अगर टिकट दे जाए तो फिर पार्टी का सर्वे कराने का मतलब क्या निकला? जो व्यक्ति 10 सालों से यहाँ लोगों के बीच में रह के इतना नहीं पता, सुबह 4 बजे उठ के शाम को 10 बजे तक लोगों की सेवा करते हैं, उस आदमी का टिकट किस देश में काटा गया? दुखी हो आप? बिल्कुल दुखी है और इसका खामियाजा आला कमान को भुगतना पड़ेगा, चाहे चंद्रभा अभी भी समय है, या तो टिकट बदल दे। अगर टिकट नहीं बदलती है तो चंद्रभान जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम सब उनको निर्दलीय 50,000 वोट से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। आप पार्टी के निर्णय से खुश हो? आप पार्टी के निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो जनता की नाम भी बताना पड़ेगा नहीं, ये देखो कुछ पार्टी की मर्यादा होती है, वो सारा जग उनका नाम जान रहा है। निजी स्वार्थों के लिए एमएलए साहब का जो टिकट काटा वो गलत काटा है। अभी भी मैं उनको कहता हूँ कि मतलब वे टिकट चेंज करे, हजारों कार्यकर्ता की हाय नहीं लवे, वो हजारों कार्यकर्ता इससे दुखी है, उनका दिल नहीं दुखा है और आला कमान से निवेदन है ये टिकट को वापिस चेंज करे और 5 विधानसभा में उससे बीजेपी की सीटें आ जाएगी। आला कमान से यही निवेदन है, चित्तौड़गढ़ की एक ही सारी विधानसभाओं पर, चित्तौड़ से लगने वाली सारी विधानसभाओं फर्क पड़ेगा चंद्रभान जी का टिकट कटने से? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। 5 विधानसभाओं पे फर्क पड़ेगा, अगर चंद्रभान जी को टिकट नहीं मिला तो ये 5 सीटें बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी खाते में नहीं आएगी अगर टिकट नहीं मिला तो, और टिकट मिल गया तो सबसे 5 सीटें आप बीजेपी की आएगी वापस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि मान लो कि पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला, फिर आपका क्या रुक रहेगा? हम निर्दलीय उनके साथ है, निर्दलीय लड़ाएंगे उनको चुनाव के, सभी कार्यकर्ता एमएलए साहब के साथ है, सब कार्यकर्ता एमएलए साहब के साथ है। मतलब बीजेपी के बूथ पर भी कोई नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आज की हालत भी है कि आज कोई नहीं है, आज सभी कार्यकर्ता बीजेपी की निचली पूरी कार्यकारिणी, हर एक शख्स, हर एक वोटर बीजेपी का चंद्रभान जी के साथ है। और मैं शीर्ष नेताओं से ये आग्रह करता हूँ कि आप ये जनता के मन को, जनता के दिलों को समझे और ये कुछ लोगों की मानसिक भावना और खुद के भले के लिए जो भान जी के साथ धोखा किया है, हमारी जनता के साथ धोखा किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो दिल दुखा है, उनको जीतने की कोशिश करें और ये निर्णय तुरंत प्रभाव से हटाएं, नहीं तो हार का मुंह सिर्फ चित्तौड़ में ही नहीं पूरे मेवाड़ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तमाम लोग आम कार्यकर्ता अपील करते नजर आ रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय बदले, नहीं तो भुगतने होंगे गहरे परिणाम। बाबू जी आप बताओ, इसको देखते हो विधायक के रूप में चंद्रभान सिंह आ गया था, है और रहेगा,
हाँ है और रहेगा हमेशा, बिल्कुल रहेगा। चंद्रमान जी रहेंगे, हम मरते दम से चंद्रमान जी को लाके मानेंगे। बिल्कुल इतना दुखी हो रहे हम सारे सर। अरे कुछ तो नहीं है सर, पर ये निर्णय गलत हुआ है क्या? इनमें दूसरी सीटें भी डैमेज हो सकती है सर, दूसरी सीटें भी डैमेज हो सकती है सर। आप बताएं, निम्बाड़ा माहौल में बना अभियान रैली निकली, चंद्रमान जी के साथ है हम। अरे वो तो आप साथ तो आए हो, पर आप अपील क्या करना चाहते हो शीर्ष नेतृत्व से? हमारे को चंद्रमान जी की टिकट चाहिए हमारे को यहाँ से, और चंद्रमान जी को टिकट नहीं भी मिलता तो भी जीते, तो भी चंद्रमान जी के साथ निर्दलीय खड़े होंगे और जीतेंगे। चंद्रमान जी 37,823 वोट से जीतेंगे, टिकट देगा तो भी जीतेगा, ना देगा तो भी जीतेंगे। 37,823 वोट से जीतेंगे। भाई साहब थाना नाम बताओ। भागीरथ बालवी पटेल। ये ब्रेकिंग न्यूज है, भागीरथ जी ने घोषणा करी है कि कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे वो। जय श्री महाकाल। मारी आवाज सुनो, ये टीवी पे आई रहो है, अगर 17 वोट हम जीते नहीं तो लपड़ो बजाएगा। बिल्कुल जीतेगा, पक्की बात है। चलो भाई साहब, चित्तौड़ इतिहास रचता आया और इस बार भी इतिहास रच के दिखाएगा। गड़ौदा कर देगा, पूरी पार्टी को लगेगा चित्तौड़ का जय जयकार। जब जब चित्तौड़ का युवा बोला है, राष्ट्रीय शासन डोला है, मैं प्रदेश देश को कहना चाहता हूँ चित्तौड़ की दलदल से कि आप अभी भी समझ जाओ, वो तो दूर नहीं है। हम चित्तौड़ फिर से राज करेंगे दिल्ली की सरकार से। युवा की अपील है शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहना है प्रदेश टिकट बदलो है, बिल्कुल टिकट बदलो, हम युवा उनके साथ है, युवा उनके साथ है। चलो भाई साहब, आप बताओ, आप पार्टी के निर्णय से खुश हो और पार्टी निर्णय नहीं बदल तो पार्टी के साथ हो कि चंद्रमान जी के साथ? हम चंद्रमान जी के साथ है, पार्टी भी चंद्रमान जी ने खड़ा करी है। बाकी पहले जितने भी चुनाव साम्राज्य धर्मशाला में अटेड रोक था, आज 10 साल से प्रधान और प्रमुख बना रहे चंद्रमान जी बना रहे, बाकी हर टाइम बिगड़े थे। और चंद्रमान जी ने पार्टी मजबूत करी है, बाकी इस टाइम तो ना तो लोगों के नाश्ते इनके पता भी नहीं थे, आज सभा में खाने वाले सब उनकी बदलों से युवाओं के साथ जुड़ा हुआ। एक फोन पे काम करते हैं, सबको नंबर पता है, सबको बोलते 94-133-15-722 हर कार्यकर्ता उनके ऊपर नंबर याद है। किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता ही फोन करेगा, मेरे पास तो मेरे की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है उनके पास जाने की। हाँ, किसी की जरूरत नहीं है उनके पास जाने की, डायरेक्ट आदमी जाता है डायरेक्ट मिलता है। आप भीड़ देख रहे हो, किसी पैसे से या सिर भले भी नहीं है, सब अपने दिल से आए, सब अपनी मर्जी से आए। इसलिए चित्तौड़ की शान चंद्रमानी है, चंद्रमानी रहेंगे। चलो भाई साहब, आप बताओ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चंद्रभान सिंह जी को कोई नहीं हरा सकता चित्तौड़ में, तो भले निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी जीतेंगे, और पार्टी से देंगे तो और बढ़िया। चलो सर, आप बताएं, ये तो कह रहे पार्टी से दे तो बढ़िया, नहीं तो निर्दलीय में चुनाव जीतना, यही स्थिति है क्या? हाँ, यही स्थिति है। निर्दलीय पहले जो 51,000 का लक्ष्य था, उससे भी ज्यादा 71,000 से हम जीत रहे हैं, बिना विधायक साहब के किसी को कॉल किए, सब तन मन धन से यहाँ बिना बुलाए कार्यकर्ता आए हुए हैं। मैं आप पहले किन किन पदों पर रह चुके हैं? मैं जगदीश मेनारिया, पूर्व भजनगढ़ जिला संयोजक, और मैंने संघ में भी काम किया था खंड पदों पे, और मेरे उधर गंगरार में हमारे इधर जो भी हिसाब के बूथ है उन बूथ पे कल 274 जो बूथों पे मीटिंग हुई थी, उनमें हमने मंदिर पे बैठ के भगवान को साक्षी मानकर हम सब ने यही कहा कि टिकट देंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर मान लो पार्टी कोई स्वविवेक से निर्णय नहीं करके अगर खिलाफ फैसला आया तो भी हम कार्यकर्ता एमएलए साहब को चुनाव लड़ाएंगे और 51 की बजाय 71,000 वोटों से जीता के निकालेंगे। शपथ भी लेंगे? हाँ, हमने शपथ ली है। और परसों युवा सम्मेलन में हमने 700 लोगों का युवा सम्मेलन सोचा था, वहाँ 5,000 लोगों का युवा सम्मेलन हुआ, उसमें हम सब ने वहाँ भी कालिका माता के सामने हाथ करके हमने विश्वास दिलाया था कि हम विधायक चंद्रमान सिंह जी आज्ञा के साथ तन मन धन से रहेंगे। तन मन धन से रहेंगे भाई साहब, हाँ भी रहोगा तन मन धन। बिल्कुल तन मन धन से हम चंद्रमान सिंह जी आज्ञा के साथ हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने 10 साल तक एक एक कार्यकर्ता की तन मन धन से सेवा की, एक एक जनता की सेवा की, उस नेता के साथ आज जनता खड़ी है। और ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है साथ है या नहीं, आपने दोनों पुराने प्रोग्राम और आज की सभा का प्रोग्राम देखा होगा, और जनता का जो आक्रोश है कि ये जो पार्टी द्वारा गलत निर्णय किया गया है। हम पार्टी से फिर निवेदन करते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, आप इस गलती को सुधारें और जन जन के लाडले लोकप्रिय नेता चंद्रमान सिंह जी आज्ञा को पुनः टिकट देवें। और हमारा वादा है जनता का कि हम आपको 51,000 वोटों से अधिक मतों से जीताकर चित्तौड़ विधानसभा को राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली
सभा बनाएंगे और हमारे लाडले चंद्रमान जी आख्या को विधानसभा में हमारा शेर फिर से दहाड़ेगा और चित्तौड़ क्या चाहता है ये सब एक बार आपको बताएंगे। चित्तौड़ मांगे, चित्तौड़ मांगे, अभी मांगो चंद्रमान। बिल्कुल। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो पार्टी निर्णय नहीं बदली हो, बचा गई स्थिति है, निर्दलीय चुनाव लेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल। और पार्टी का ऊपर ना तो उड़ रखा है सब लोगों ने? अभी तो हम पार्टी से ये मानते हैं कि पार्टी को हमको विश्वास है कि वो हमारे चंद्रपाल सिंह जी आख्या साहब को टिकट देंगे, हम पूरा विश्वास लेके बैठे। अगर फिर भी अगर वो टिकट नहीं दे पाते तो फिर हम निर्दलीय लड़ेंगे और साथ के साथ ही रहेंगे। चित्तौड़गढ़ की है किशन। जी सर, नाम बताएं अपना। मोहम्मद सिद्दीक मिलकर, सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। सीपी जी से पहले का मैं यहाँ का कार्यकर्ता हूँ, जो सीपी जी नहीं रहे ना प्रदेश अध्यक्ष, उनसे पहले का कार्यकर्ता हूँ। और हाँ जी, आप उनसे पहले का कार्यकर्ता हो तो क्या कहना चाहते हैं उनको? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सीपी जी को और केंद्रीय नेतृत्व जो केंद्र से मोदी जी चला रहे हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय आपने अपने कार्यकर्ता को खत्म करने का निर्णय लिया गया, अगर कार्यकर्ता खत्म होता है तो आपकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, ये सच है। जब जब भी कार्यकर्ता को खत्म किया देश पर, आप कहीं पे भी पुराना इतिहास देख लो, मुगलों के टाइम के देख लो, अब वो मुगल नीति अब चलने वाली नहीं, जो कार्यकर्ता के साथ में कार्यकर्ता को साथ लेके चलेगा उसी की जीत होगी, भले राजस्थान में हो या केंद्र में हो, कार्यकर्ता की जीत पूरे देश की जीत है। और ये जो निर्णय लिया है, ये निर्णय आपसी रंजिश हो सकती है, इंसानों के होती है रंजिश करनी करनी ही लो बताओ, आपसी रंजिश जो इनके बचपनों से, जब ये कार्यकर्ता नहीं थे, जब बीजेपी ने, ये कांग्रेस में थे और ये बीजेपी में थे, चंद्रपाल जी तो बीजेपी में थे और ये कांग्रेस में थे, तो इनके एनएसयूआई के जमाने से जो अंदरूनी खुन्नस होगी होगी, मगर इस खुन्नस को यहाँ पे पार्टी को खत्म करने के लिए ये खुन्नस नहीं निकालनी चाहिए, आपसी खुन्नस की पार्टी में कोई जगह नहीं। सर, इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में कितना भुगतना पड़ेगा पार्टी? ये पार्टी बिल्कुल जीरो हो जाएगी अगर चंद्रमान सिंह जी आख्या को यहाँ से टिकट पार्टी बीजेपी के सिंबल पे नहीं दिया गया तो, वरना साहब की तैयारी पूरी है और 51,000 वोटों से जीतेगी और जीतेगी, और एक ही नाम चंद्रमान सिंह आख्या, और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। ये सब है झाकिया, ये सब 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 बेकार है सब, एक ही नाम एक ही शेर, चंद्रमान सिंह आख्या। चंद्रमान सिंह जी आख्या के अलावा कोई आदमी मंजूर नहीं है? चंद्रमान सिंह आख्या, बाकी सब जाख्या। मागे न चारियो, न चारियो, न चारियो, मागे एक ही शेर है चित्तौड़ की, एक ही शान है चंद्रमान, चित्तौड़ की शान, चित्तौड़ की शान, लोहा लोहे को गाड़ता है, चित्तौड़ की तोड़ चंद्रमान जी की तोड़, सिर्फ चंद्रमान जी, उसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, कोई तोड़ नहीं है चंद्रमान जी के अलावा। प्रेम करो सर, हम नहीं करते हैं, उन्होंने हमारे साथ किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है हम उनके साथ कैसा करना है। आज हमारा मौका है, आज हमें उस चीज को, हमारे जो मौका में चौको मेला हुआ के नहीं बचे, ये उबड़ने उतारने पड़ेगा सर, छक्का अकेले, आप चौकी की बात कर रहे हो। अरे हाई लेवल को पता चल जाएगा किसका टिकट उन्होंने काटा है, जो आदमी 5 साल 10 साल रह चुका है विधायक, वो एक भी बार चित्तौड़ आया नहीं, उसको टिकट दे दिया, फर्जी लोगों को टिकट दिया गया है। विधायक पहले का विधायक तो जयपुर रहता था, यानी लोगों ने जयपुर जानो पर तो अभी जयपुर न पहुंचावे, हमारे चित्तौड़गढ़ की एक ही शान है। मारी बात सुनो, हाँ मैं लगे दू धान नारो, चित्तौड़गढ़ की एक किशन, चित्तौड़गढ़ की एक किशन, चित्तौड़गढ़ के हर एक छोटे छोटे बच्चे की, जी भाऊ साहब चित्तौड़ में जीतेंगे, जयपुर वाला नहीं जीत सके, नहीं जीत सके,
विपक्ष देख लो कि चंद्रपाल जी को टिकट कर दियो तो मैं जीत जाऊंगा, ताकि विपक्ष की अगली कमजोरी है चंद्रपाल जी जीतेगा तू आपको क्यों करे। अरे जीतेगा चंद्रपाल जी, जीतेगा चंद्रपाल जी, और जोश है जोश, युवा जोश, बच्चे हो जाए आप बताओ भाई साहब, यहाँ तो आज्ञा ही चलता है, एक ही नाम एक ही शान, हमारा आज्ञा ही चलता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। देखो 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 देखो। लोगों में काफी उत्साह है, लोग इंतजार। बाबू जी आप बताएं, आपकी क्या चाहत है, कैसा विधायक चाहते हैं? चंद्रपाल सिंह जी आज्ञा, ओनली ओनली वन चंद्रपाल सिंह आज्ञा, और कोई लोगों के साथ खड़ा रहने वाला एक ही बंदा है। पार्टी टिकट तो राजू जी ने दी दो है यार, तो उल्टा मुंह करके जाएंगे। ऊपर ना खोलो, नहीं क्या खोले, ऊपर क्या खोल दे, वो आएंगे नहीं यार, यहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे चित्तौर आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा माहौल तक करके 101% नहीं आएंगे। कोई मंगल मेरा भाई है, या तो नरेंद्र मोदी जी और या फिर चंद्रपाल सिंह जी आज्ञा, इसके अलावा हम ना तो राजवी जी को जानते हैं और ना किसी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को जानते हैं। ओनली फॉर चंद्रपाल सिंह आज्ञा जी, चंद्रपाल सिंह जी आज्ञा, चित्तौड़ की एक ही हम जानते नहीं है, अदर किसी को, किसी को नहीं जानते। बाबू जी बताओ कन्ने वोट देना, चंद्रपाल सिंह जी दियो, चंद्रपाल सिंह बिल्कुल देंगे। भरपुर सिंह जी राज भी तरह आए थे, अच्छा अब होगी कोई 85 साल के हो गए, हमारी सब जन के चंद्रपाल सिंह आज क्या साहब को देंगे। चंद्रपाल सिंह जी विधायक साहब बनेंगे और बनेंगे 100% बनेंगे, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है, हम कार्यकर्ता उनके साथ है। चंद्रपाल जी विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा 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 बनेगा। पहले तो आए हैं उद्घाटन में, हमारे कार्यालय का उद्घाटन है और चंद्रपाल जी के सपोर्ट में आए हैं हम लोग। टिकट तो मिली नहीं, कार्यालय खोल दी तो हाँ, तो खोल कार्यालय तो खोलेंगे ना साहब, हम लोग सरकार के थ्रू चुनाव तो लड़ने से कहीं भी हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे साहब, चुनाव लड़ोगे बिल्कुल, जीतोगा भी जीतेंगे साहब, डंके की चोट पे जीतेंगे। पहले था नहीं यहाँ का दिखाओ, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा था, चश्मा क्यों लगे रहे? अरे यार चश्मा तो लगा, चश्मा तो लगाना पड़े ना भाई साहब, लगाना पड़े। नाम क्या जाना? गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी, गुप्ता जी चुनाव जीत गए चंद्रपाल जी के? बिल्कुल जीत रहेंगे साहब, 100% 100% दंगे की चोट पे जीत रहे हैं, दंगे की चोट पे जीतेंगे। आप बताओ भैया, एक तरफा जीतेंगे हम, एक तरफा जीतेंगे, 50,000 वोटों से जीतेंगे हम, इतना बोल रहे हैं कॉम्पिटिशन हमारी, 50,000 वोटों से जीतेंगे हम, पिछली बार 23,000 वोटों से ऊपर जीते थे, इस बार 50,000 वोटों से जीतेंगे। 50,000 वोट के 50,000 वोट जीते, बिल्कुल जीतेंगे बिल्कुल। वोट देंगे नहीं हम? हाँ, मेरा तो वोट जाएगा ना सर, जाएगा मेरा घर का परिवार का, उम्र 21 साल रुक गए, हाँ यार ब्याह ब्याह भेजे हो, टेंशन मत लो, उतरो भेजे ही भेजे ही जी। आप बताओ क्या आज्ञा साहब को अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे क्या? बिल्कुल जीतेंगे, लड़ेंगे, कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस, कोई ना रोक सके भाई साहब, चंद्रपाल जी के इतना पावर है चित्तौड़ जिले में और पब्लिक उनको इतना चाहती है ना, पब्लिक चाहती है उनको, सबसे बड़ा रीजन ये है, पब्लिक चाहती है उनको, माँ माँ तो आगे लेके भी कर सका, अरे वो तो मैं भगवान बजरंगबली तो नहीं हूँ पर दिल फाड़ने अपने मन में और अपने सच्चे धर्म से कह रहा हूँ, चंद्रपाल जी कोई नहीं हला सकता है, चित्तौड़गढ़ की एक ही शान चंद्रपाल, चंद्रपाल। हाँ भाई जी आप बताओ भाई साहब, हाँ जी चंद्रपाल जी चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे सर, 1,000 वोटों से जीतेंगे, कम 51,000 वोट से, 51,000 वोट से, 51,000 वोट से जीतेंगे सर। बता रहा था लोग, चंद्रपाल जी का हर आदमी का दिल में बसा था, चंद्रपाल दिल में बसा था,
ये मतलब जो इतनी भीड़ है ये सब जते, 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 सब वोट चल मन जल से साथ में एक एक जनो पंद्रह हजार दस दिया करो 15 लाख वोट है विधानसभा में 1.5 लाख वोट भी रहेंगे साहब 1.5 लाख हाँ 1.5 लाख ठीक है भाई साहब आप बताओ भाई साहब चुनाव जीत रहे हो क्या बिल्कुल 100% भाजी अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो क्या होगा पार्टी ने नहीं बदला तो भी हम लड़ेंगे बिल्कुल लड़ेंगे पक्का लड़ेंगे 100% जीतेंगे बिल्कुल जीतने के लिए तो ये आए बाकी हारने के लिए कौन आता हारने के लिए नहीं आएंगे बिल्कुल जीतेंगे कांग्रेस वाला आता रही जाता रही उसमें कोई लड़ना नहीं है तो माने हारना ही जाएगा कांग्रेस स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे प्लाईवुड लकड़ी में जी हाँ साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहार के सीजन में 15% की छूट के साथ पाए 5 साल की वारंटी मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर 5 सीटर और 7 से 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड दीवान अलमारी डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल और वॉल ड्रॉप चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड पार्टिकल वुड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध है हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है एक बार सेवा का मौका अवश्य दे सोफे रोड मीरा नगर भुआना उदयपुर मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212 हेल्पलाइन नंबर 6350095198